हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अभी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में, क्योंकि मेरा कोई वीडियो बनाने का इस टॉपिक पे मन नहीं था, बट लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ, आज आप देख सकते हो यहाँ पे। आप देखो कि 12 अक्टूबर है यहाँ पर, और 12 अक्टूबर को मैं लाइव मैंने अपना ट्रेड लिया था। जब तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सके कि मैं एग्जैक्ट क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं आपके सामने एक क्लिप चला देता हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रखा था, यहाँ पे देख सकते हो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे लिया था, और मैंने अपना टारगेट भी सेट कर रखा है, ठीक है। तो और जैसे ये मेरे बिल्कुल टारगेट के हिट करने वाला था, थोड़ा सा ही रह गया बस थोड़ा। देन उसके बाद ही आप नेक्स्ट कैंडल देखना किस लेवल पर बनी है वो कैंडल। देखो, मतलब एग्जिट होने तक का भी मौका ही नहीं दिया। मैं इस कैंडल के क्लोज होने पर तो एग्जिट करता, बट क्लोज होने पर मेरा एसएल वो ले गया। तो देखो, आपको एसएल रखना आप कितना इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे इस वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे, ठीक है। एक तो बिना एसएल के कोई भी ट्रेड ना करें, ये एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एसएल के बिना हम ट्रेड ना करें। दूसरा, यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मेरे दिमाग में ये पॉइंट क्यों आया, यहाँ पर जैसे ये बिग कैंडल बनी थी तो हमारा एसएल प्रीमियम में हिट हो चुका था, और प्रीमियम में बहुत ही तगड़ा इस बिग कैंडल ने मूव आया है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो की इम्पोर्टेंट इसलिए कहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ना, अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, सपोज करो आपने लिए 10 ट्रेड, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा 10 रुपये का ही एसएल जाए और प्रॉफिट में रखूँ अपना 50 रुपये का, ठीक है, 50 रुपये का मैं प्रॉफिट रखूँ और 10 रुपये का मेरा एसएल जाए, अगर आपके फेवर में 4 भी आ जाते हैं, अगर आपके फेवर में 4 आ जाते हैं, तो आपको 4 × 50 करोगे तो 200 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और जो 6 चले गए हैं, जो हमारे इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमारे जो इसमें से 6 चले गए हैं, उस 6 को 10 × करेंगे तो 60 पॉइंट्स हमारा जो है लॉस में है। अब 200 में से अगर आप 200 में से अगर आप 60 रुप माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके, 140, ठीक है। अब 140 पॉइंट जो आप टोटल प्रॉफिट में हो 10 ट्रेड लेने के बाद भी। और अगर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे ब्रोकरेज भी ज्यादा लगता है, तो भाई कोई नहीं, 40 पॉइंट्स का हम ब्रोकरेज जो है मान लेते हैं कि 40 पॉइंट के पैसों के बराबर जो हमारा है ब्रोकरेज लग जाएगा। वैसे इतना लगेगा नहीं, बट एज्यूम कर लेते हैं, फिर भी आप मोटा मोटा जो है 100 पॉइंट्स प्रॉफिट में हो। तो देखा आपने, रिस्क रिवॉर्ड रेशो से आप कितने अच्छे तरीके से एक ओवरऑल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बिना एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी बन ही नहीं सकते। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाई थी ताकि आपका फोकस रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे और एसएल पे जरूर जाए, जो मेरे साथ आज हुआ है, शायद आज बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, लेकिन इससे हमें सीखने की जरूरत है। जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैंने आपको बताया।